नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही खबर के साथ। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन की टीम ने धरने से उठा दिया है। दरअसल पूर्व सैनिक भीखम साहू को धरना स्थल से उठाकर प्रशासन ले गया और 5 से 6 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए। 2 अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी किए जाने की मांग कर रहे थे और नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो आमरण अनशन की प्रशासन को जानकारी मिली, प्रशासन ने पहले समझाने का प्रयास किया, चेताने का प्रयास किया, उसके बाद अभ्यर्थियों को वहां से उठा लिया गया। 5 दिन से ये आमरण अनशन जारी है। 2018 की परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने की मांग के साथ कि अभ्यर्थी यहां पर बैठे हुए थे और 2 अभ्यर्थियों की तबीयत भी इस दौरान बिगड़ गई। रायपुर में ये धरना चल रहा है। हालांकि एसआई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ले जाया गया और अभी जो स्थिति है फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, चूँकि परीक्षा का परिणाम अभी जारी किए जाने के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अभी जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब थी उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा और क्या कोई रास्ता नजर आ रहा है जिस मांग को लेकर ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 से 6 दिन आज हो गए। देखिए आशीष, जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के परिणाम जारी करने की लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, दौड़ते हुए कुछ अभ्यर्थी यहां पर आए थे और उसके बाद आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के आला अधिकारी है, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात है, वो हो चुकी है और आश्वासन मिला है, लेकिन वो तत्काल परिणाम घोषित करने की मांग है वो कर रहे थे। चूँकि 5 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे तो ऐसे में कई ऐसे जो आंदोलनकारी थे उनके शुगर और बीपी का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन हो गया था और खतरे की घंटी है। ऐसे में जो वहाँ मौजूद चिकित्सकों ने उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया, उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन उनकी सेहत को ख्याल में रखते हुए उन्हें वहाँ से उठा कर ले गई, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को कुचलने का ये प्रयास है। लेकिन डॉक्टर्स हैं, चिकित्सकों का जो दल है वो उनका कहना है कि चूंकि स्वास्थ्यगत कारणों से उन्हें ले जाया गया है, तो कुल मिलाकर यही है कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अभी भी जो वहाँ विरोध हो रहा था और बावजूद इसके आंदोलन पर वो डटने का प्रयास है, वो लगातार कर रहे हैं। और 2018 की ये भर्ती प्रक्रिया है लेकिन परिणाम नहीं आए हैं, इससे वो काफ़ी नाराज है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स लेंगे आगे आपसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे देवास से खबर, जहां देवास के पालनगर नागदा में ढोल ग्यारस का जुलूस पारंपरिक तरीके से निकाला गया। ढोल ग्यारस के जुलूस में सांसद महेंद्र सोलंकी ने तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। सांसद ने खुद अखाड़े में शामिल होकर जोरदार तलवारबाजी की है। सांसद की तलवारबाजी का वीडियो काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, दतिया की बात करेंगे। नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका ने जर्जर 5 मंजिला मकान को गिरा दिया है। दरअसल डायनामाइट लगाकर इस मकान को ध्वस्त किया गया और ये 5 मंजिला भवन जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, इसे चिन्हित किया गया था प्रशासन के द्वारा। डायनामाइट लगाकर इसे ध्वस्त किया गया। ये देखिए कुछ तस्वीर सामने आई है जब एक 5 मंजिला भवन को ढाया गया और काफ़ी दूर तक इसका मलबा और धूल गया है और ये किस तरह से इस मकान को ढाया गया, चिन्हित किया गया था प्रशासन के द्वारा। कुछ ही सेकंड्स में ये 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दतिया से सामने आई। हालांकि इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं ये वहाँ आसपास मौजूद घरों की छतों से गलियों में बनाई गई थी और चूंकि जब ये पूरा मकान गिरा उस वक्त धूल का गुबार काफ़ी उठा था। और बढ़ते आगे जगदलपुर से अहम खबर, यहाँ
लगो जान जोखिम में, यहां के लोग जान जोखिम में डालकर चित्रकूट में सेल्फी और रील्स के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। वाटरफॉल के पास जाकर पर्यटक सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर अक्सर लोग पहुँचते हैं वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जलस्तर बहुत ज़्यादा नदियों का बढ़ चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है किसी खतरे से कम नहीं है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है, और जो पानी के बारे में धुआंधार कहा जाता है वो दरअसल इसी दृश्य को देखकर कहा जाता है, क्योंकि जब पानी की धार गिरती है तेज़ी से तो एक धुआं जैसा वहां पर, एक फॉग जैसी वहां पर स्थिति बनती है। बारिश से ये वाटरफॉल पूरी तरह से शबाब पर है। जगदलपुर से तस्वीर सामने आया, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जान जोखिम में डाल रहे लोग और सेल्फीज ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर अभी ना तो यहाँ कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना ही लोगों को रोकने के लिए कोई प्रशासनिक स्तर पे कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर कोई तैनात किया गया है जिससे वो उन्हें रोक सकें। हालांकि अभी तक तो सब गनीमत है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कभी भी हादसा हो सकता है। धमतरी में तेंदुए की दहशत लगातार बरकरार है और अब रुद्री पंचायत में तेंदुआ दिखा है। दरअसल गांव में मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट किया गया है तेंदुए से, और तेंदुए से बचकर रहने के लिए लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई है कि रात के अंधेरे में कहीं बाहर न निकलें, और यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो सतर्कतापूर्वक सावधानी पूर्वक रहें, और गलियों में मोहल्लों में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया, जानकारी दी गई। धमतरी से तस्वीरें सामने आई और घर घर जाकर लोगों को अनाउंस करके जागरूक किया जा रहा है तेंदुए से। आज के लिए एक सूचना है, गांव में तेंदुआ है, रात बिताल के तेंदुआ से बच के रहना है, घर से निकलना नहीं हो। और रायपुर में लाखों की अफीम की बरामदगी हुई, दरअसल पुलिस ने 32 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। शेखर कुमार को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, आरोपी से ट्रक भी जब्त किया गया। आरोपी कई राज्यों में अफीम सप्लाई करता था। एंटी साइबर क्राइम यूनिट और सिविल लाइन पुलिस ने ये कार्रवाई की है और लाखों की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 32 लाख की अफीम जब्त की है। अफीम सप्लायर शेख कुमार को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, ये अफीम सप्लाई करता था। आरोपी से एक ट्रक भी जब्त की गई है। हालांकि कई राज्यों में अफीम जो है ये सप्लाई करता था। एंटी साइबर क्राइम यूनिट और सिविल लाइन पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उसे पूरी तरह से धरातल पर उतारने का प्रयास प्रशासन की ओर से, और एक बड़ी खेप यहां पर बरामद की गई अफीम के, इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रशासन लगातार दावा करता है, उसी ओर क्या ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में निजात अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभियान है नशे के खिलाफ है, चाहे अवैध शराब हो, अवैध गांजा हो, या इस तरह से अवैध रूप से जो अफीम या सूखे ड्राई जो नशे हैं उसके कारोबार को लगातार ध्वस्त करने की काम है वो रायपुर की पुलिस कर रही है, और इसी कड़ी में 32 लाख रुपए के जो अफीम है वो बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय ये सप्लायर है, इससे पहले भी एक जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसी के निशानदेही पर झारखंड के जो अंतर्राज्यीय आरोपी है उसे पकड़ा है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और 32 लाख रुपए के आशीष जो अफीम है उसे जब्त किया गया है। 2.1106 जो ग्राम है वो अफीम है वो बरामद किया गया है, बड़ी मात्रा कहे जा सकती है अफीम के। तो इस तरह से पहले जो दिल्ली से और अन्य राज्यों से इस तरह से अफीम
के सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब जो झारखंड से अगर अफीम आ रहा है तो ये काफी चिंताजनक बात है, वो कही जा सकती है। अब फिलहाल एंटी साइबर क्राइम यूनिट और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है और आरोपी के पास से एक ट्रक को भी कब्जे में लिया है। कुल मिलाकर 52 लाख रुपए की जो नशा के साथ साथ ट्रक को जब्त किया गया है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे रायसेन की, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, ढाबों से अवैध शराब बरामद हुए हैं। दरअसल अब्दुल्लागंज में आबकारी विभाग ने छापा मारा और आबकारी विभाग ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई ढाबों पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, कई बार अवैध शराब का मामला सामने आ चुका है। जो ये मामला है रायसेन से सामने आया, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई आबकारी विभाग के द्वारा ढाबों पर, परोसी जा रही अवैध शराब पर एक्शन लिया गया। और इस पूरे मामले में न सिर्फ ओबेदुल्लागंज में आबकारी विभाग ने छापा मारा, बल्कि उन शराब के स्टॉक्स को भी उन्होंने जब्त किया, जो इस तरह के ढाबों और रेस्टोरेंट्स में स्टॉक करके रखी हुई थी। और यहाँ पर आबकारी विभाग पहुँचा था और कुछ देर के लिए ज़रूर ढाबा संचालक सपक आ गया, और ऐसे में जब कार्रवाई की गई तो काफ़ी शराब वहाँ से बरामद हुई है, जिसकी परमिशन अमूमन इस तरह के ढाबों पर नहीं होती है। और विदिशा के छात्रावास में भारी गड़बड़झाला सामने आया। दरअसल सिरोंज के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का यह पूरा मामला है। सड़ी गली सब्जी छाटने का वीडियो आया है, वायरल हो रहा है भोजन की गुणवत्ता का यह वीडियो। रसोईया भी परेशान है, वार्डन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कद्दू तो खराब लग रहा है। तो देखिए, ये सड़े गले सब्जी यही बनते हैं और यही परोसे जाते हैं। हालांकि खुद रसोईया भी परेशान है, क्योंकि उसको छांटनी पड़ रही है चीजों को और बदबू मारती हुई ये सड़ी हुई सब्जी। अब काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कार्रवाई की बात इसमें कलेक्टर की तरफ से की गई है। ये सब्जियां सड़ी आती हैं और हम मैडम जी से बोलते हैं तो वो हम पे ही और लड़ती हैं, चिल्ला चौंट करती हैं और ये कहती हैं अपने बेटों की कसम खाओ, बेटों उनकी कसम देती हैं। और क्या क्या खराब आता है वहाँ पर? इली दार दार है, उसमें भी इली निकल रही हैं, और ऐसे ही चावल आ रहा है उनमें भी भुन रहा है, बीत रहा है चावल। सिरोंज के एक छात्रावास में जो भोजन प्रदाय किया जाता है उसकी गुणवत्ता के संबंध में आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, तत्काल मैं उसकी जांच करवाता हूं और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। और अब बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां मानकुंवर बाई कॉलेज में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। दरअसल एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर गहन जांच के निर्देश दिए। एसआईटी टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। कॉलेज के छात्राओं और मैनेजमेंट से बातचीत कर ब्लैकमेलिंग से पीड़ित छात्राओं की डिटेल जुटाई गई और इसके पहले ब्लैकमेलिंग करने वाले नंबर्स के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। पुलिस की टीमें देश के कई राज्यों में घूम रही हैं और इस पूरे मामले में जो है जांच अभी भी चल रही है। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, एक वीडियो कॉल आता था, ब्लैकमेल किया जाता था और कई रुपए ठगे जाते थे। ब्लैकमेलिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। हालांकि इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। थाना मदन महल के प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करने के बाद एसआईटी का गठन किया गया है, इसमें महिला अधिकारी भी हैं और इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। हमारी टीम्स ने आरोपियों को चिन्हित किया है और उनकी तलाश की। और देखिए, साइबर फ्रॉड का मामला है और इसके लिंक्स थोड़ा स्टेट से बाहर हैं, तो हमारी टीम्स अभी वर्क कर रही हैं और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और भोपाल में रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने अश्लील डांस का एक वीडियो सामने आया है। गिन्नौरी में स्थापित मूर्ति के सामने वीडियो बनाया गया। पुलिस वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश कर रही है, लेकिन देखिए, रील का खुमार है, फेमस होना है,
सिर्फ वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है यहाँ पर। और ये शख्स आप देख सकते हैं, युवक जिसने अश्लील डांस किया है मूर्ति के ठीक सामने, रानी कमलापति की ये प्रतिमा है भोपाल में, और यहाँ प्रतिमा के ठीक सामने उसने डांस किया अश्लील डांस। हालांकि अब पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। देवास के पालनगर नागदा में ढोल ग्यारस का जुलूस पारंपरिक तरीके से निकाला गया। ढोल ग्यारस के जुलूस में सांसद महेंद्र सोलंकी ने तलवार बाजी कर समा बांध दिया। सांसद खुद अखाड़े में शामिल हो गए और जोरदार तलवारबाजी की। सांसद की तलवारबाजी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस दौरान वहां पर मौजूद लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और सांसद महोदय ने इस जुलूस में तलवारबाजी करके दिखाई। और ढोल ग्यारस का ये जुलूस जहां पर इसी तरह से अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं लोग, और सांसद महोदय को भी मौका मिला तो उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और तलवार भांज कर उन्होंने दिखाई। और सांसद महेंद्र सोलंकी की तलवारबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी देखा जा रहा है। देवास से सामने आई तस्वीरें ढोल ग्यारस की जुलूस यात्रा का ये मौका था। और सीधी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर पहले तो एक नाबालिग लड़की का गर्भपात कराया गया और फिर नवजात शिशु को जिंदा ही दफन कर दिया गया। ग्रामीणों ने जमीन खोदकर नवजात को बाहर निकाला है। पीड़ित परिजन अब तक मामले की शिकायत नहीं कर सके। इस पूरे मामले का वीडियो अब सामने आने के बाद सिटी कोतवाली TI ने संज्ञान लिया। पुलिस मामले की जाँच करेगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है या किसी अन्य जगह का मामला है, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। एक ये वीडियो वायरल हुआ है, इसको स्वयं संज्ञान में पुलिस द्वारा लिया गया है। पुलिस के पास ना तो पीड़िता उपस्थित आई है, ना ही पीड़िता का कोई परिजन आया है। अस्पताल चौकी से भी जानकारी प्राप्त की गई है, तो अस्पताल चौकी में भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली गई थी। अब ये वीडियो आने के बाद हमने स्वयं संज्ञान लेकर के इसमें पता लगा रहे हैं कि ये क्या मामला है, और पता लगने के बाद पीड़ित से संपर्क करके की। इंदौर में पुलिस मसीहा बनकर सामने आई। पुलिस ने 3 लोगों के लिए मदद की है। दरअसल इस दौरान पुलिस ने CPR देकर 3 लोगों की जान बचाई, जिसमें तीनों मजदूर ओमेक्स हिल्स टाउनशिप में निर्माणधीन मकान के सीवेज टैंक का निर्माण करते समय केमिकल की गंध से बेहोश हो गए थे, और मजदूरों के साथियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची राऊ थाना पुलिस के जवानों ने पाइप और एग्जॉस्ट लगाकर केमिकल की गंध को पहले तो बाहर निकाला, फिर तीनों मजदूरों को बाहर निकाला और फिर एक एक कर तीनों को CPR देकर उनकी जान बचाई गई। CPR के बाद सांस आने पर तीनों को एम्बुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस अब निर्माण में हुई लापरवाही की जांच कर रही है। हम बिल्कुल हौसला नहीं हारते गए। हमारे जवानों को जैसा कि CPR की ट्रेनिंग दी गई थी, CPR का उपयोग हमारे इसमें एक जवान नीलेश्वर आलकर ने किया था और इतने अच्छे से किया कि उसकी जान वहीं के वहीं एक सांस ही उसकी उखड़ गई थी, जो वो वहाँ उसको दिखाई देने लगी। पूरी टीम में एक जोश आ गया जैसे ही उसमें जान फूकी। आगे जाके उन्होंने जो 2 और मजदूर वहाँ अंदर थे उनको भी निकाला, उनको भी CPR दिया गया। और इंदौर से एक बार फिर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 33 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। साइबर ठगों ने मलेशिया पार्सल भेजने के नाम पर शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट किया। ठगों ने शिक्षक को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और बताया कि पार्सल में 58 ATM कार्ड, 16 फर्जी पासपोर्ट और 140 ग्राम MDMA ड्रग्स है। ठगों ने शिक्षक को बैंक भेजकर अलग अलग खातों से रुपए डलवाए और 4 से 5 दिन में वेरिफिकेशन के बाद रुपए वापस आने का झांसा दिया। शिक्षक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने एक बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। क्राइम ब्रांच ठग के अकाउंट में गए 12.5 लाख रुपए वापस दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
और अब खबर शिवपुरी से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था और इसके बाद उसका जुलूस निकाला गया। और इस तरह की हरकत करने वाले, मानसिकता रखने वाले लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि यदि इस तरह का विचार भी मन में लाया गया तो इस तरह की सज़ा और जुलूस का भी सामना करना पड़ेगा। और ये शिवपुरी से पूरा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिसक महोदय शुक्री, CSP महोदय शुक्री के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित करके आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी शिवम कुचवंदिया को उसके ग्राम मनियर से ही गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को माननीय न्यायालय JR पर पेश किया गया है और इसमें तत्परता से पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी को 2 घंटे के अंदर। और बिलासपुर से हम खबर, जहां बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें कि धमकीबाज तहसीलदार पर अब गाज गिरी है। अंचल लहरे को उत्तर बस्तर भेज दिया गया है, उनका ट्रांसफर कांकेर किया गया है। आपको बता दें कि छात्राओं ने हॉस्टल में अव्यवस्था को लेकर चक्का जाम किया था, जहां तहसीलदार ने छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने भी कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस में नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को संयम बरतने की सलाह दी थी। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने गौशाला के संरक्षण को लेकर 20 रुपए प्रति गाय के लिए दान दिए जाने वाला अनुदान 40 रुपए कर दिया। साथ ही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा किनारे बसे आंचल में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी बात कही। शासन के माध्यम से गौशाला में राशि देते थे, अब 40 रुपया रोज कर दिया। किसी हालत में हमने कहा कि गोमाता किसी का वजन नहीं और सरकार का गोमाता का भी भार नहीं उठा पाए तो सरकार बेकार है, काहे के लिए सरकार चला रहा। जिनमें 3300 देवी देवता का वास होता है ऐसी गोमाता के लिए सरकार की भावना, लेकिन इतना ही नहीं जो करेंगे सरकार करे। हमने निर्णय कर रहे हैं घर घर गोपाल बने, घर घर गाय माता पाले। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। CM ने कहा कि इससे ग्रामीण के क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिलेगा, उन्हें विषय की बारीकियां समझने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी पढ़ाई हिंदी में नहीं होगी, ऑप्शनल होगी। इसका निर्धारण सीटों के आधार पर होगा। स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में इसको लेकर काम चल रहा है। और इसी के साथ साथ एक बड़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।